शेख हसीना का तख्ता पलट बांग्लादेश में जो हुआ है वो भारत के लिए क्या खतरा पैदा करेगा या फिर भारत के लिए एक मौका है? दोस्तों, ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने से मना कर दिया है। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? शेख हसीना कहां जाएंगे? जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों की संपत्ति और जान माल पर वहां पर बनाई है, तो क्या भारत इससे प्रभावित होगा और जो एक्शन लेगा उसका परिणाम क्या होगा? इस वीडियो में मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करके बताऊंगा कि आने वाला भविष्य बांग्लादेश और भारत के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, खतरा या फिर मौका। दोस्तों, यहां पर मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की जो बात की है उसमें मैंने चार होरोस्कोप के बारे में डिस्कस किया है, एनालाइज किया है। वो चार होरोस्कोप कौन सी है? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम किसी देश, प्रदेश या पर्टिकुलर स्टेट के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं, ज्योतिष गणना करते हैं, तो उसमें मुंडन एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है। यहां पर भी जो मैंने रेफरेंस लिया है, बांग्लादेश की होरोस्कोप, भारत की होरोस्कोप और बांग्लादेश की सत्ता विहीन, जिसका सत्ता पलट दिया गया है, तख्ता पलट दिया गया है, शेख हसीना की होरोस्कोप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली। इन चारों जन्म कुंडली का जब मैंने एनालिसिस किया तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा, इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली बहुत ही स्ट्रोंग है। मोदी जी को प्लैनेटरी पोजीशन सपोर्ट कर रही है और भारत की जन्म कुंडली भी इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की हिंसाएं हो रही है या भारत को उकसाया जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, भारत को खतरा क्रिएट करने का या उसको धमकी जो दी जा रही है, भारत को फायदा होगा। और जहां तक मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, अखबारों में मैंने उनके बारे में पढ़ा है या उनका जो अभी तक का 10 साल का राजनीतिक कैरियर जो एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं देख रहा हूं, मैं यही कहूंगा उनकी जन्म कुंडली जो कि दर्शाती है कि ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है और श्री नरेंद्र मोदी जी इस मौके को गंवाने वाले नहीं है। अखंड भारत की जो कल्पना की थी, सपना जो देखा था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है और इस समय बांग्लादेश में जिस प्रकार की हिंसा है, ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है और भारत इस मौके को खासतौर से देश के प्रधानमंत्री गंवाएंगे नहीं। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि एक मौका है भारत के लिए, ये निर्णय भारत की सरकार लेगी और जिस प्रकार की बांग्लादेश के अंदर घटनाक्रम हिंसाएं चल रही है, भारत की उस पर पूरी नजर है। दोस्तों, शेख हसीना का क्या होगा? क्या वो भारत में ही रहेंगी या फिर किसी अन्य देश में जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन ने कुछ टेक्निकल कारणों से शेख हसीना को शरण देने से मना कर दिया है। इस बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि वो किस देश में जा सकती है। यदि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं,
तो आप उस वीडियो को जाकर वहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका भी राजनीति में इंटरेस्ट है और आप राजनीति में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें अपनी बहुत डिटेल शेयर करें। हम आपकी जन्मकुंडली के आधार पर बताएंगे आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। भारत इस मौके को गवाएगा या फिर फायदा उठाएगा? शेख हसीना किस कंट्री में जाएगी, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।